नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य राज झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं वीवो के नए स्मार्टफोन वीवो X21 के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीवो X21 की अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स के अंदर आपको प्रमोशनल मटेरियल मिलता है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, आपको केबल मिलती है, माइक्रो यूएसबी केबल है, बुरी बात है, आपको 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें यूएसबी टाइप सी नहीं है सपोर्ट, तो वो एक बुरी बात है। इन ईयर टाइप ईयरफोन्स मिलते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी बढ़िया काम। वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है और उसके अलावा हार्ड केस कवर भी मिलता है आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया है और अच्छी आराम से फिट हो जाता है इस पर। आइए शुरुआत करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले से। तो यह 6.28 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। 2280x1080 पीस की रेजोल्यूशन है, 402 पिक्सल/इंच इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वह है, देखने में काफ़ी बढ़िया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इस पर। और अगर मैं इसके कुछ अन्य फीचर्स की बात करूँ तो इसी डिस्प्ले पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। नॉट स्टाइल डिज़ाइन है इस फ़ोन का, तो कई लोगों को ये पसंद आएगा, कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, तो सबको सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो ग्लास बैक है पूरा, बहुत ही ग्लॉसी है, बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है और फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अगर आपसे गलती से गिर गया तो फ़ोन के टूटने के आसार भी बहुत ज़्यादा है। फ्रंट पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि सही है, अच्छी क्वालिटी है। और इसके अलावा सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा, मतलब रंग वगैरह काफ़ी सही चल जाते हैं, एकदम इंटेंस धूप में भी काफ़ी हद तक विजिबल है ये, तो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया। डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी सही लगी। आइए अब डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दाईं ओर पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलता है, सबसे नीचे आपको सिम ट्रे स्लॉट मिलता है, हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट है, पर ठीक है कि कम से कम इन्होंने माइक्रो एसडी कार्ड एक्सपेंशन तो दी। कई सारे फ्लैगशिप्स में आजकल की डेट में माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट ही नहीं है, तो OnePlus 6 की बात हो रही है यहाँ पे। और नीचे अगर आप देखेंगे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, आपको स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, माइक्रोफोन का होल है। टॉप पे आप देखेंगे 3.5 mm का जैक है, एंटीना बैंड्स बने हुए हैं छोटे छोटे साइड में, और उसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है, वीवो की ब्रांडिंग है और ये मस्त सी ग्लास बैक है। इसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मेन चीज़ इस पे है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मैंने इसको काफ़ी टेस्ट करा और कितने वो बार ये सही से काम नहीं कर रहा था शुरुआत में, पर जैसे जैसे मेरी टेस्टिंग बढ़ती गई मैं इस फ़ोन को चलाता गया, ये बेटर होता गया समय के साथ। तो अगर आप इसको एक बारी में 4-5 दिन से ज़्यादा जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे, ये बेटर होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कभी भी गलती नहीं करेगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आइए स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मौजूद है, 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। स्पेसिफिकेशंस जो है एकदम हाई एंड नहीं है, ऐसे स्पेसिफिकेशंस आपको नोकिया के 7 प्लस में भी देखने को मिलते हैं। और अगर मैं ओवरऑल ऐसे बात करूँ पूरे एक्सपीरियंस की तो स्मूथ लगा मुझे। फन टच ओ एस 4 है इसमें, एंड्रॉयड 8.1 बेस्ड, एंड्रॉयड ओरियो तो है इसमें, पर इसमें एंड्रॉयड पी आएगा कि नहीं इस पर वीवो वालों ने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है, तो इस पर अभी अब कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है अभी तक। एक्सपीरियंस फ़ोन का काफ़ी हद तक स्मूथ है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं दिक्कतों की बात करूँ तो कहीं पर कुछ कुछ ऐसी इशूज़ आ रही थी, जैसे मैं फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं कोई नए ऐप्स इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उनके आइकन ही नहीं बने आ रहे थे होम स्क्रीन पर, मुझे फ़ोन रिस्टार्ट करना पड़ता था तब सब कुछ सही से चलने लग जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी सॉफ्टवेयर की कुछ छोटी मोटी इशूज़ हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए और वीवो जिनको कुछ अपडेट्स के बाद सॉल्व कर सकता है। ऐसा ही हमने V9 में भी देखा था कि V9 में शुरुआत में कुछ दिक्कतें थी जिनको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद एकदम ही सही से साफ बिल्कुल सुथरा कर दिया वीवो ने। गेमिंग की बात करूं तो इस पे आप हर एक गेम खेल सकते हैं आराम से। PUBG जैसी बहुत ही भारी भरकम गेम को मैं मीडियम सेटिंग्स पे खेल पा रहा था इस पे, और ये शायद से पहली बार ऐसा था कि मैं नंबर 1 आया PUBG में। मतलब जीवन में एक खुशी की बात हो गई, मेरे को गर्व का एहसास हो रहा है कि मैं PUBG में नंबर 1 आया इस फ़ोन पे गेम खेलते वक्त, और कम से कम 1 घंटा बर्बाद हो गया, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Antutu बेंचमार्क पे 1,30,000 से ऊपर इसने स्कोर करा, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। और Geekbench पे भी इसने सही स्कोर करा, पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही हैवी टास्क में आपको कहीं कहीं स्लो डाउन दिखाई देगा, और इंटेंस मल्टीटास्किंग में भी आपको स्लो डाउन दिखाई देगा, जो कि मेरे को भी दिखाई दिया। अगर आप एक बारी में 6-7 से ज़्यादा हैवी एप्लीकेशंस रैम में रखेंगे तो रहेंगे तो सही, पर कुछ कुछ जो पहले से बैकग्राउंड में ऐप्स होंगे उनको वो क्लियर कर देगा रैम से, तो परफॉर्मेंस सही है,
सब कुछ बढ़िया है, पर सॉफ्टवेयर की जो दिक्कतें हैं उसको थोड़ा सा मुझे लगता है वीवो को ठीक करना चाहिए। थोड़ा बहुत ये सॉफ्टवेयर के मामले में भी हर बार थोड़ी सी मात खा जाते हैं ये लोग। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ही प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखें तो शायद चिपसेट का चॉइस और बेहतर होना चाहिए था। आइए अब कैमरा की बात करते हैं। पीछे भी दो सेंसर्स दिए हुए हैं और ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला मेन प्राइमरी सेंसर जो है पीछे दिया हुआ है और 5 मेगापिक्सल का एक और कैमरा सेंसर है वो बोके मोड के लिए डेप्थ सेंसिंग के लिए। सामने भी वही सेंसर है 12 मेगापिक्सल वाला और f1.8 अपर्चर है पीछे वाले सेंसर का, काफ़ी बढ़िया है, और सामने वाले का f2.0 अपर्चर है। दोनों ही फ्रंट और बैक जो है ये 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो इमेजेस में जो डायनेमिक रेंज था वो बहुत गजब था। आज तक के वीवो के जितने भी मैंने फ़ोन्स देखे उनमें से सबसे बेहतरीन कैमरा है इसका, और जितने भी स्टिल्स थे ना उनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, सेल्फीज़ भी काफ़ी बढ़िया थी। पर अगर मैं वीडियोज़ की बात करूं तो स्टेबलाइजेशन नहीं था इतने अच्छे, और इतने फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन पर भी ये लोग वीडियो में स्टेबलाइजेशन नहीं देते हैं, ये बात मुझे काफ़ी खल जाती है। और इस पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा बहुत और सुधार करना चाहिए कि आगे से जो भी फ़ोन्स दे कम से कम वीडियो में स्टेबलाइजेशन तो दे, तो वीडियोस काफ़ी शेकी आएंगी अगर आप एक गिम्बल या फिर हैंडहेल्ड स्टेबलाइजर नहीं यूज़ करेंगे। यह फ़ोन 3200mAh की बैटरी के साथ आता है। ऑन पेपर ये बैटरी बहुत सही लगती है पर उतनी नहीं टिकती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप फुल पूरा चार्ज करेंगे सुबह सुबह 6 बजे और फिर आप निकलेंगे तो आपका 3 से 4 बजे तक बैटरी हैवी या फिर एवरेज यूज़ के साथ ख़त्म हो जाएगी। पर प्लस पॉइंट ये है कि फ़ोन बहुत तेज़ी से चार्ज होता है, मतलब पता नहीं कुछ इसमें जो फास्ट चार्जिंग है वो इतनी बढ़िया है, अराउंड 1.5 घंटे में ये फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। और अगर आप कोई हेवी वाला पावर बैंक यूज़ करेंगे जिसका एम्पेयर आउटपुट अच्छा है तो और जल्दी यह फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि अगर आप इसमें ड्यूअल सिम 4G यूज़ कर रहे हैं जैसा कि मैं यूज़ कर रहा था और आप चाह रहे हैं कि वो बैटरी बहुत ज़्यादा टिके तो बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगी, आप तेज़ी से चार्ज कर पाएंगे पर बैटरी से बहुत ज़्यादा लाइफ की उम्मीद ना करें। यह फ़ोन डेडिकेटेड AK4376A हाई-फाई चिपसेट के साथ आता है, यानी इंटरनल इसमें एक अच्छा डैक मौजूद है, तो अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑडियो सही आएगा कुछ अन्य फ्लैगशिप्स के मुकाबले। पॉपुलर यूट्यूबर MKBHD ने इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया और उन्होंने ये पाया कि बिल्कुल ही ग्लास खुरच देने पे भी यह सेंसर चलता है। तो अच्छा हुआ हमें अपना यूनिट तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पहले ही तोड़ फोड़ के देख लिया। तो इसका मतलब ये है कि सेंसर बहुत ही ज़बरदस्त है। अनलॉक स्पीड उतनी तेज़ नहीं है जैसे कि आपका आईफोन वगैरह की टच आईडी वगैरह होगी, उतनी तेज़ इसकी अनलॉक स्पीड नहीं है, पर फिर भी यह काफ़ी बढ़िया तरीके से चलता है और काफ़ी फास्ट है अगर इसे हम कुछ अन्य अनलॉक वाले मैकेनिज्म से कंपेयर करें। और इसका फेस अनलॉक भी बहुत फास्ट है, तो मतलब आप जस्ट पावर बटन दबाएंगे उसका फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं वो फेस अनलॉक जो है, पर ये भी काफ़ी बढ़िया काम करता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सही और बेहतर होता जाता है समय के साथ। तो आइए अब एक फाइनल निष्कर्ष पर आते हैं, क्या यह फ़ोन लेने लायक है कि नहीं है। तो अगर इस फ़ोन की प्राइसिंग 30,000 या 30,000 से नीचे होती है तो यह फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, प्राइस के लिए लेने लायक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। अगर ये 30,000 से 35,000 की रेंज में आता है तो इसका कंपटीशन होगा OnePlus 6 जैसे स्मार्टफोन से, जो कि एक बेहतरीन स्मार्टफोन है जिसमें कहीं पे भी लैग वगैरह नहीं आता, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, जिसका कैमरा भी काफ़ी हद तक सही है, इसके जितना बढ़िया नहीं है पर काफ़ी सही है उसमें भी कैमरा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी सही है। तो अगर आप वो सब सोचें, परफॉर्मेंस उसकी इससे बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा महंगा हो जाता है तो इसकी सेल्स होने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, लॉन्च ऑफर से शायद से और ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाए, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा क्या क्या लॉन्च ऑफर्स हैं इस फ़ोन के साथ। और पर अगर आप पूरा ध्यान से देखें कि एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीज़ अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं है। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिससे आप चौड़ से सबके सामने दिखा सकें कि भाई देखो हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और मतलब एक अलग ही स्वैग है ऐसा फ़ोन चलाने का, तो अगर आप वैसी फील चाहते हैं, अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि शायद बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो या परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा ना हो, तो आप वीवो का X21 फ़ोन आराम से ले सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे और चॉइसेस हैं मार्केट में आज की डेट में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।